विद्युत उपभोक्ता की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई की जाती है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में बुधवार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई के दौरान महानगर के विभिन्न व्यापारी और विद्युत उपभोक्ता विद्युत नियामक बोर्ड का हिस्सा बने। व्यापारी बंधु और उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग से जुड़ी अपनी समस्याओं को चेयरमैन आरपी सिंह के समक्ष रखा। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर चेयरमैन आरपी सिंह ने विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के आदेश देते हुए कहा कि किसी भी विद्युत वितरण निगमों ने विद्युत दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं भेजा है, इसलिए विद्युत दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में विद्युत नियामक आयोग द्वारा की जा रही जन सुनवाई के दौरान लगभग 100 पीड़ित विद्युत उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के समक्ष रखी। जन सुनवाई के दौरान विद्युत नियामक बोर्ड के चेयरमैन आरपी सिंह ने कहा कि विद्युत दरों को कम करने के नियमित विचार किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान सदस्य नियामक आयोग संजय श्रीवास्तव, एस के अग्रवाल, के शर्मा, अमित कुमार बारघव, मुख्य अभियंता एम के अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता इंजीनियर ए के श्रीवास्तव, ए के सिंह, अधिशासी अभियंता इंजीनियर राजेश कुमार प्रजापति, जेपी यादव सहित सभी उपखंड अधिकारी एवं अवर अभियंता मौजूद रहे। जो सब प्रीपेड ही दिए जाए तो आप 25 किलोवाट से ऊपर का प्रीपेड भी अवेलेबल है सर, इसे तो एक पल से ही होता है। अगर सब स्टेशन पर आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि लाइट काट दो, मे बी फॉल्ट ऑफ द मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के ऊपर मे बी फॉल्ट हो, तो सब स्टेशन से ही हमारी लाइन बंद हो जाएगी। तो इसके लिए कोई फी नहीं, बिलिंग भी वहीं कर दीजिए 132 पर, तो एटलीस्ट ये बिलिंग लॉस का भी मैटर भी खत्म हो जाएगा। 132 पर ही बिलिंग कर दीजिए। हो गया समय का ये पांच पॉइंट बेसिकली हमने दिया और कुछ वैसे सब मैंने कहा था पर चलिए और लोग भी हैं कॉमर्स भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। सर विद्युत ज्यादा हो रही है वो आम जन और व्यापारियों के यहाँ हो रही है, ना कि किसी माननीय ना किसी अधिकारी के यहाँ क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी माननीय के यहाँ जांच टीम के कई पूरे उत्तर प्रदेश में सुनवाई नहीं दे रहा, आखिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है? दूसरा सर विद्युत फॉल्ट होने पर व्यापारी एवं उपभोक्ताओं को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है, यानी शाम को फॉल्ट हुआ तो अगले दिन सवेरे बनता है और आम जन के लिए तुरंत व्यवस्था उपलब्ध है। क्या ये सब व्यवस्था के दुखदार जनता है या व्यापारी है? जंजर पोलों का और जंजर तारों का यही हाल है। कोई भी निचले स्तर का कोई अधिकारी जो दिए यही है पूरे उत्तर प्रदेश कहीं देखिए कोई सुनवाई नहीं है, चिल्लाते रहिए डीएम साहब की मीटिंग में, साल साल भर से उनका मामला पेंडिंग चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। जंजर पोल पूरे शहर में है और कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है, जो हो रही है या तो कंटिन्यूस हो रही है धराशाई हो रही है, तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, मनमाफिक बिल आता है, दौड़ते रहिए शिकायत करते रहिए जन सुनवाई। मुख्यमंत्री जो सुरक्षा पोर्टल बना हुआ है उस पर भी यही हाल, जिसका पता चले जब वो कहे कि यूनिट देना है और यूनिट के अनुसार पैसा दिया जाए उसमें मास रोड चेकिंग अभियान ऑर्डर हो गया उसका पालन नहीं हुआ तो ये आप इसमें 142 में हमारे यहाँ याचिका दाखिल कर सकते हैं घंटे में। अरे सर व्यापारी का व्यापार करेगा कि एक घंटे मतलब न्यायालय जोड़े न्यायालय ने समय बर्बाद किया, अब 2009 से कनेक्शन नहीं मिला उसके लिए दौड़ा हो क्या दौड़ते आज अकेला हो गया, आज संयुक्त परिवार नहीं है, आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में जो न्यायालय के आदेश है उसकी प्रति हम लोग को दे दीजिए, हम लोग उसको दिखवा लेंगे। और देखिए ऐसा है कि कानून जो बनता है ना सबके लिए बराबर बनता है, व्यापारी या जो घरेलू उपभोक्ता है सबके लिए अलग अलग नहीं बनता है। सर आप उसमें व्यवस्था सुन लीजिए, उसमें व्यवस्था है कि अगर CGRF ने आपके पक्ष में आदेश दिया है उसके बाद भी बिजली विभाग उसका पालन नहीं कर रहा है तो हम लोग के संज्ञान में लाया जाता है, हम लोग उसको पेनल्टी लगाते हैं। और उसकी प्रक्रिया एक है कि वो जो कोर्ट के आदेश जो CGRF के आदेश की प्रति के साथ हम लोग को संज्ञान में ला के फाइल किया जाता है पिटीशन,
कि साहब ये आदेश है और ये बिजली विभाग ने पूरा नहीं किया है, तो फिर उस पर सुनवाई होकर उन पर पेनल्टी लगता है। तो एक व्यवस्था बनी हुई है, आप उसके उसका लाभ उठाइए। माननीय सर अभी पूरे बोर्ड को हिला रहे हैं और कहीं कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को कई बार कहा गया। जहाँ तक रेट की बात है, आज उद्योगों की से जो रेट चार्ज की जाती है नेट 8 रुपये से 8.5 रुपये यूनिट, जबकि आज जहाँ तक मेरी जानकारी है 4 रुपये से नीचे थोड़ा हट जाइए जो है आपकी फोटो छपेगी परचेज कर रहा है। तो ये 4 रुपये से लेकर के और 8 रुपये के बीच में जो इतना गैप है, इसको कम किया जाना चाहिए, क्योंकि विद्युत की रेट यदि ज़्यादा है तो ये इसका उद्योगों के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आज तमाम हमारे ही यहाँ के कई उद्योगी जो है बाहर उत्तरांचल में या और अन्य जगह जा करके केवल इसलिए उद्योग लगाए हैं कि यहाँ की विद्युत रेट ज़्यादा है। तो इसके ऊपर में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि विद्युत रेट जो है कम होनी चाहिए। आज जहाँ तक सोलर एनर्जी की बात है, अभी आज कल ही लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे सस्ती बिजली अगर कोई पैदा कर सका है तो भारत है। तो आज जहाँ 2.5 रुपये और 2.75 रुपये में बिजली अगर सोलर से मिल रही है, ऐसे समय में 8.5 रुपये में अगर आप बिजली दे रहे हैं तो ये थोड़ा सदन की कोई मांग नहीं की है। तो मतलब कि दरें बढ़ने के लिए उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, तो इस हिसाब से हम लोग उसी पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, पेपर में मैंने पढ़ा कि रेट बढ़ाया जाए, इसके विषय में राय लेने के लिए दीक्षा भवन में एक मीटिंग रखी गई है। मान्यवर, इस विषय में मुझे इतना ही कहना है कि रेट पहले से ही इतना ज़्यादा है और उसके बाद जो लोकल रेगुलेटरी और ड्यूटी चार्ज 11.78% लगा करके बिजली का रेट 8-9 रुपये के करीब LMB 6 में आता है, तो इसमें बढ़ाने की गुंजाइश पर आप लोग विचार करें। घटन है तो कम से कम बढ़ें। KVAH पर बनेगा और उसमें कन्वर्जन फैक्टर भी दिया हुआ है, लेकिन कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर लोग एडॉप्ट नहीं करते हैं। जो बिल आता है एवरेज पर उसी पर चार्ज किया जा रहा है और उसमें करीब करीब 30-40% ज़्यादा हम लोगों को पेमेंट करना पड़ रहा है। और अधिकारीगण से बात करने पर यही कहा जाता है कि इसी तरह से होगा, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो कंज्यूमर फोरम में मुकदमा करेंगे। कम जाहिर सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं से उनको पूरा करना ही पड़ेगा, बिना पूरा किए वो विद्युत नहीं दे सकते। बिजली का चार्ज जो भी हो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो तो उपभोक्ता को कष्ट नहीं होता। मुझे अपना बिल देख के सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि उसमें फिक्स चार्ज ऐसा होता है जो पर किलो वॉट के हिसाब से, उसको देख के मुझे ये लगता है कि ये पिछले दरवाजे से बिल से पैसे वसूले जाने की एक प्रक्रिया है, जो कि बिजली को बचाने की मेरी अपनी स्वाभाविक जो टेंडेंसी उसको हैरेस कर। तो मैं चाहता हूँ कि बिजली यूनिट का जो भी रेट निकल के आए वो उपभोक्ता देगा ही देगा, लेकिन फिक्स चार्ज जैसी चीज़ों की के लगाने से हमें ऐसा लगता है कि हमें ठगा जा रहा है। और जब अगर हम 25 यूनिट 50 या 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, 20 रुपये यूनिट का भी अगर दर है, उस हिसाब से हमारा बिल बनना चाहिए, ना कि फिक्स चार्ज के नाम पे 400-500 रुपये अतिरिक्त और लिए जाने चाहिए। एक चीज़। दूसरी, मेरे घर की छत काफ़ी बड़ी है, मैंने कोशिश की कि वहाँ पे मैं कुछ सोलर पैनल लगाऊँ और जो बिजली ज़्यादा बन जाए तो गर्मियों की दोपहर में या ऐसे समय में अगर निगम मुझसे ले ले और बदले में रात को मुझे दे, तो उसमें मैंने जो बिजली का सोलर पैनल की कंपनियां हैं उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि आप भले ही ज़्यादा बिजली बनाएं लेकिन आपका जितना लोड होगा केवल उतना ही आपसे वापस लिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। तो मेरा एक ये सुझाव इस बारे में बिजली कंपनियों को इस बात के लिए उत्साहित किया जाए कि अगर कंज्यूमर्स सोलर पैनल पे बिजली बना के उनको देते हैं
तो उसको एक लिमिटेड तक ना रखा जाए, उसको जितनी भी अवेलेबिलिटी हो जाए उतनी सारी की सारी बिजली उनको वापस लेने के लिए उत्साहित किया जाए। उसमें जितना आपका कॉन्ट्रेक्टेड लोड है, जितनी की आपने भाग ले रखा है, उतने भाग तक का सोलर आप अपनी छत पर लगा सकते हैं और उसमें नेट मीटरिंग व्यवस्था लागू है। नेट मीटरिंग में साल भर में जितना आपका बिजली का जनरेशन होगा सोलर से, और जो आप कंज्यूम करेंगे वो पूरा जो है शट ऑफ हो जाएगा आपका जनरेशन उससे, और उसमें जो है पूरे साल भर तक आपको फैसिलिटी मिलती है। अगले साल जो है शुरुआत में आपको जो अगर आपका सरप्लस है तो आपको 2 रुपए के हिसाब से उसका पेमेंट हो जाएगा सरप्लस एनर्जी का। इसमें कोई भ्रम नहीं है, आपको मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ ये बात, रूफटॉप सोलर स्कीम में बिल्कुल स्थिति साफ है, इसमें कोई अन्य जो है कोई कंफ्यूजन नहीं है। बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो रूफटॉप जो नेट मीटरिंग है इसमें बैंकिंग नहीं, आप जो बोलते हैं उसको उस व्यवस्था को बैंकिंग बोलते हैं। और दूसरा है कि अगर आप ज्यादा के लगाने की जो कंट्रैक्टेड हो उसमें कारण ये है ना कि जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी क्षमता होती है जी, और जब आप वहाँ पर उस ट्रांसफार्मर सब लोग अगर जो जितना कॉन्ट्रैक्टेड लोड है उससे ज़्यादा अगर रूफटॉप सोलर लगा देंगे तो ट्रांसफार्मर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, इसके कारण ये बट सर यहाँ का जो एस एल ए सी है वो इसको अलाउ ही नहीं करता, वो डेली बेसिस पे अलाउ करता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है सर कि कंज्यूमर 29 टाइम्स पे करता है एप्लीकेशन फी जो उसे एक्चुअली पे करनी थी, तो सर उसको वहाँ भी लॉस हो रहा है, तो सर फिर ओपन एक्सेस में जाने का सोचेगा भी कैसे और उसे प्रॉफिट आएगा कैसे, वो सर्वाइव करेगा कैसे? और सर रीजन ये दिया जाता है कि एटीसी वहाँ से अवेलेबल नहीं है, सर अगर कंज्यूमर सेम है, लाइन सेम है, लोड सेम है, डिस्कॉम सेम है, तो फिर सर दिक्कत कहाँ है सर? बस ये पॉइंट है कि प्लीज़ आप इसमें देखिए और एसएनडीसी को प्लीज़ गाइड करिए कि वो इस चीज़ को अप्लाई कर पाए। थैंक यू सर। कि अगले महीने में जोड़ करके बिल अभी आज की तारीख में मेरा 12 लाख रुपए बकाया हो गया। आप लिख करके दीजिए ये चीज जी, अभी लिख करके दीजिए जी, कई बार लिख करके दिया, कई बार शिकायत करी, यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं हमारा हो गया। अब आयोग यहाँ उपस्थित है, आप लिख के दीजिए। थैंक यू। मेरा ये प्रेजेंटेशन था कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट सुओ मोटो बिल में माइनस नहीं होता है, उसके लिए परसू करना पड़ता है अपने आप, किसी एक महीने में स्पेसिफाइड होना चाहिए कि अपने आप बिजली बिल में। इसमें ऑर्डर कर रखे हैं, अगर कहीं नहीं किया है तो बिल के साथ आप लोग तो इसमें आपको जो है यहाँ बताना पड़ेगा कि जो है ये क्या इसमें आपकी कार्य योजना है, किस तरह से आप समस्याओं को दूर करेंगे, क्योंकि आयोग वर्ष में एक बार यहाँ आता है और ये उपभोक्ता जो है ये निरंतर जो है आपके अधिकारियों से संपर्क करते हैं, जिनकी समस्याओं का निराकरण निरंतर होना चाहिए। और इसमें जो है जब आयोग यहाँ पहुँचते तो उस वक्त जो है ये बातें यहाँ बताई जाए, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। चीफ साहब कहाँ गए? ये इसको कंप्यूटराइज भी क्यों नहीं दे रहे हैं गीडा में? HV2 का कंप्यूटराइज बिल MRI से लोड करके आप कंप्यूटर पर बिल क्यों नहीं निकालते? MRI वाले बिल है, कंप्यूटराइज बिल ही मिले सर, और अगर MRI की कॉपी मांगते हैं तो कॉपी भी उसको दी जाए। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा .org करके वेबसाइट है। हाँ, एक जो उपभोक्ता है इन्होंने यहाँ पर लिखे शिकायत की, इनके बिलों की कुछ मामला है, आप ये अपनी शिकायत चीफ इंजीनियर को रखो को दे दें, इसका जरा दिखवा करके जो भी निदान हो उसका करेंगे, अन्य कोई उपभोक्ता इसमें कोई अपनी बात रखना चाहता हो तो खड़ा हो जाए। सर मेरा नाम सुमित, बिजली का रेट क्या है? 13.5 रुपये हम लोग का पड़ता है और हम पूछते हैं कोई बताता नहीं है, इतनी ज़्यादा हो गई है, तमाम तरह की जो है टैक्स लगाई जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं, न कोई मीटर का मानक बताता, बार बार पूछते हैं कि घंटे में फीट में कितनी चलनी चाहिए, कोई बताता नहीं है। घरेलू में याद है जहाँ जहाँ घुस जा रहे हैं घर में और मीटर को तोड़ दे रहे हैं, कनेक्शन से लगा हुआ, क्या आपके विभाग में आदेश लगा कर घरों पर तोड़ के मीटर तोड़ के जाँच किया जाए? अगर ऐसा तो हम लोग भी करेंगे, न कोई इनके यहाँ नियम है, अगर इनके यहाँ इंजीनियर है तो उत्तर प्रदेश उपभोक्ता फोरम बनाएंगे, 10-10 रुपया लेके लड़ेंगे आपके खिलाफ, अगर इस तरह की सुविधा नहीं होगी घरों में प्राइवेट आदमियों करेंगे, माँ बेटी बहने नहीं है, लोग घसों लोग आप जिम्मेदार होंगे, कौन जिम्मेदार होगा? केली के केली 10-10, 20-20 लोग घुस जा रहे हैं, या तो हम उनके साथ वही व्यवहार करें जो पेपर में छपती है,
इससे हाथ जोड़ के मेरा आपसे निवेदन है और चीफ साहब से इस पर आप विशेष ध्यान दें और मीटर का मानक जनता गर्म उसके तय करें, न तो हम भी उपभोक्ता फोनम बनाएंगे, आपसे लड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से लड़ेंगे। इस तारीख से चोरी करते हैं तो आपके यहाँ के चीफ इंजीनियर जो महोदय बैठे हुए तीन तीन महीना तक जांच के नाम पे लटका के ठंडा बस्ते में डालते हैं। अभी वर्तमान में ऊर्जा मंत्री ने जब आदेश किया तब भी इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। क्या कर्मचारी जेई 8 बिल में 24 लाख को 3 लाख में कर सकता है तो जनरल आम पब्लिक का बिल क्यों नहीं कम होता है? क्या बड़े उपभोक्ता को ही खाली जो बिल को सुधार किया जा सकता है, गरीबों का सुधार न किया जाए? इसकी हमने शिकायत जो है 3 महीने से जो है मुख्यमंत्री लगा सारे लोगों को दिया गया, मुख्य अभियंता सामने बैठे हुए उनके सामने 2 महीने पहले मैं पर्सनली जाकर दिया, जांच के नाम में आज तक इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं किया, ना जांच के जांच को ठंडे बस्ते में करके संबंधित जेई को जो प्रोत्साहित किया जा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उपभोक्ता ही एकदम प्रताड़ित करने के लिए विभाग बनी हुई है? और आपका क्लब नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि हमारे गोलक में कितना 1000 करोड़ रुपए आया।